मैं तुम्हारे लिए। तभी मैंने डंडे से एक लड़के को धकेला वहां से। देश में फैली कोरोना वायरस महामारी से बचाव के चलते लॉकडाउन में पुलिस और स्वास्थ्य विभाग अपने परिवारों से दूर रहकर कोरोना से लोगों को बचाने में जुटे हुए हैं। तो वही ऐसे में लॉकडाउन में मिली विभागों को खुली छूट का भी लोग पूरा फायदा उठाने से पीछे नहीं हट रहे। मामला बागपत जिले का है, जहां 108 एम्बुलेंस गाड़ियों पर तैनात कर्मचारी आज सुबह से ही हड़ताल पर चले गए और पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए सोशल डिस्टेंस का भी पालन नहीं कर रहे। कर्मचारियों का आरोप है कि सीओ सिटी बागपत ओमपाल सिंह ने उनके साथ बेवजह मारपीट की है। जितेंद्र पायलट के सीओ साहब ने बैत मार दी है सूर्य होटल के सामने। तो सर उसमें ये हुआ था जी, पायलट जी ने कि बोला हमारे पैर से तो गाड़ी चलेगी नहीं दादू मार, उसकी वजह से जी ऊपर बताया हमने उच्च अधिकारी को अपने को, तो उन्होंने बोला जी के सब लोगों को बताया तो सब ने गाड़ी बोल दी कि ऐसे तो आज हम पिट रहे हैं तो कल वो दूसरा ही पिटेगा। तो सर इस वजह से हमने उच्च अधिकारी सी एम साहब को लेटर मांगा, उनको हमने लिख के दे दिया। सर पायलट जी तो ये मांग कर रहे थे माफ़ी मांग लिया हमसे, अगर ड्रिंक में या वैसे लगी है नशे की हालत में तो दिक्कत नहीं है। जबकि वही सीओ सिटी का आरोप है कि जब वे अपनी टीम के साथ ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर बनाए गए नाके को देखने के लिए गए तो उस दौरान वहां से लौटते वक्त दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर मविकला गांव के पास ढाबे खुले हुए थे। वहां काफी संख्या में भीड़ इकट्ठा थी तो उन्होंने ढाबे को बंद करा दिया और सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए लोगों को वहां से खदेड़ दिया। इस दौरान एम्बुलेंस के कर्मचारी उनसे उलझने लगे। सीओ का कहना है कि उन्हें नहीं पता था कि वे 108 एम्बुलेंस कर्मचारी है। ये उस लगभग 10:30-11 बजे की लगभग रात्रि की बात है। मैं पहला फेल पे जो नाका हरियाणा बॉर्डर पे लगा गया है वहाँ चेक करके वापस आ रहा था और नीचे मैंने जो है पहले फेल पे भी चेक किया, तो जैसे ही मैं नीचे आया था मवी कला की तरफ तो वहाँ लगभग 15-20 ट्रक रोड पे खड़े हुए थे। मैंने देखा ये ट्रक क्यों खड़े हैं इतने, तो देखा होटल पे जो है दो होटल खुले हुए थे और उसमें 20-25 आदमी जो है अंदर घुसे हुए थे खाना खा रहे थे। इस बात पे मैंने होटल वालों से कहा भाई आपने किसे परमिशन दी, लॉकडाउन चल रहा है, धारा 144 चल रही है, महामारी देश में चल रही है, इससे बचने के लिए जो है सभी होटल ढाबे बंद किए गए हैं, आपने क्यों खोला है? तो उसका कोई उत्तर नहीं था और हमने जो है तभी थाना पुलिस को भी बुलवाया वहाँ और जो मेरे साथ स्टाफ था मैंने उस होटल को बंद कराया। उसी दौरान जो है ये दो लड़के वहाँ आए, हमने इन्हें कोई परिचय नहीं दिया कुछ नहीं, और आकर के कहने लगे साहब होटल क्यों बंद करा रहे हो, हम खाना खाएंगे। हमने कहा भाई होटल ये नहीं खुलेगा, अब लॉकडाउन है, 144 लगी है और आप यहाँ से हटिए। तो तभी मैंने डंडे से एक लड़के को धकेला वहाँ से, मगर यहाँ से भागिए जाइए आप। रही एम्बुलेंस की, एम्बुलेंस वहाँ हमने दिखाई भी नहीं दी कि कहाँ एम्बुलेंस है, केवल ये लड़के थे और इनके साथ कुछ लोग और आए थे जो मुझे संज्ञान में मिला था वहाँ कि कुछ और लोग भी इनके साथ आए हैं यहाँ, और इसलिए इन्हें रोकने का वो किया कि आप क्यों बंद करा रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस कर्मचारियों की आए दिन शिकायतें भी मिल रही थी कि वे लॉकडाउन में सवारियों को भी बॉर्डर पर करा रहे थे और अन्य भी दो नंबर के कार्यों में लिप्त रहते हैं। ये भी जो है हम आप भी देखते हैं पेपर में, हम भी पढ़ते हैं कि ये लॉकडाउन के दौरान जो है सवारी भी ढूंढते हुए पकड़े गए हैं और उल्टे सीधे सब काम कर रहे हैं।